हेलो एवरीवन, हियर वी आर बैक अगेन विद अवर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एंड क्लास 5 मैथमेटिक्स। हमने कल फैक्टर्स पढ़ लिए थे, रिवीजन एक्सरसाइज हम तक की कंप्लीट हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे हमारा एक्सरसाइज 3A से पहले के टॉपिक्स। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन 3A में ये आएगा कि यूजिंग द मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब फैक्टर्स निकालने के दो और मेथड और भी हैं जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट मेथड है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन या बाय मल्टीप्लिकेशन, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स बाय डिवीजन। आपके पास दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि यूजिंग मल्टीप्लिकेशन फाइंड द फैक्टर्स, यूजिंग डिवीजन फाइंड द फैक्टर्स। उन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक नंबर ले लिया 40 के आपने फैक्टर्स निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीप्लिकेशन एंड बाय डिवीजन। सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को छुपा लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखिए आपने 40 के फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया हुआ है अगर किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं तो वो नंबर खुद एंड नंबर वन, वो उस नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और वो नंबर खुद, वो क्या होगा उसके सबसे पहले फैक्टर्स। ठीक है, तो 140 तो 1 और 40 तो हो गए दो फैक्टर उस नंबर में। अब देखते हैं, चलते हैं 1 के बाद क्या आता है 2 पे। अब देखिए क्या 2 के टेबल में 40 आता है, और आता है क्या पूरा कटता है? बिल्कुल, मैंने अभी आपको पहले कल बताया था कि अगर 1's प्लेस पे 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो वो नंबर 2 से पूरा कटता है, यानी कि 2 उस नंबर का फैक्टर 100% होता है। ये नंबर हमारे पास है 40, तो यानी कि 2 से तो वो 100% डिवाइड हो जाएगा और पूरा कटेगा, एग्जैक्टली कटेगा। तो दैट मीन्स 2 तो फैक्टर है। अगर 2 फैक्टर है तो 2 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर आ जाए 40, यानी कि 220 40, यानी कि 2 भी हो गया फैक्टर और 20 भी हो गया। अब चलते हैं 3 पे। 3 क्या है, 3 के टेबल में 40 आता है? बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, 40 किस किस के टेबल में आता है हमें यही पता चलता है ना फैक्टर्स का, तो नहीं आता। ठीक है, 3 तो कैंसिल हो गया। अब चलते हैं 4 पे। क्या 4 के टेबल में 40 आता है? बिल्कुल आता है। तो 4 के टेबल में 40 कहाँ पर आता है? 4 times 40, तो यानी कि 4 भी है 40 का फैक्टर और 10 भी है। ठीक है, अब चलते हैं 5 पे। क्या 5 के टेबल में आता है 40? बिल्कुल आता है। 5 के टेबल में कहाँ पर आता है? 5 8 40, कहाँ पर? 5 8 40। अब देखिए उसके बाद 6 पे आता है? बिल्कुल भी नहीं। 7 पे भी नहीं आता। 8 पे आता है? बिल्कुल 8 पे तो आएगा, अगर 5 8 40 तो 8 5 40। 9 पे आएगा? बिल्कुल भी नहीं। 10 पे आएगा? बिल्कुल आएगा। 4 10 40 तो 10 4 40। ठीक है, तो यहाँ से तो हमारे निकल गए। ऐसे ही मुझे लगता नहीं है कि अब और आएगा, तो इसलिए हमारे विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन कौन कौन से हो गए, ये सब के सब हमारे फैक्टर्स हो गए। दिस शोज दैट 1 2 4 5 8 10 20 and 40 आर द फैक्टर्स ऑफ 40। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम चलते हैं डिवीजन वाले मेथड पे। अगर हमने फैक्टर्स निकाले हैं डिवीजन मेथड से तो देखिए कैसे करेंगे। अभी हमने जिस नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं उसको इक्वल टू के इस साइड रखा है। अब हम उस नंबर को इक्वल टू के दूसरी साइड रखेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड होती है और इक्वल टू के इस साइड राइट हैंड साइड। पहले हमने मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड रखा था, अब हम इसको रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या अब हम 40 जो जिस नंबर को हमने फैक्टर निकालने हैं उसको हम 1 by 1 डिवाइड करते जाएंगे। 40 को सबसे पहले हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 40। 40 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, उन्हों नंबर से ही करेंगे जिनको हमें लगता है कि वो उनके फैक्टर्स हो सकते हैं। 40 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 20। 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, 3 से तो हम करेंगे नहीं क्योंकि हमें पता है कि 3 से तो 40 डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है ना, 4 से करेंगे हम? बिल्कुल करेंगे क्योंकि हमें लग रहा है कि 4 से हो जाएगा। तो 40 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 10। फिर हम 5 से करेंगे, 40 को अगर हम 5 से करेंगे डिवाइड तो क्या आएगा आंसर? 8। ऐसे ही अगर हम उल्टा करते हैं, 40 को 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। 40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2। 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4। 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5। तो यानी कि जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड लिखे हुए हैं वो नंबर क्या हैं? हमारे फैक्टर्स हैं। वो हमने किस मेथड से निकाले? विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। अब यूजिंग मल्टीप्लीकेशन एंड यूजिंग डिवीजन यू ऑल कैन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। यस, अगर आपको वीडियो
थोड़ा सा भी डाउट है वीडियो में तो आप दोबारा वॉच कर लीजिए, फिर भी आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकती हैं। बट एक बार वीडियो देखने के बाद अब ये मैं कई मिनट समझ में नहीं आया, आपको वीडियो दो या तीन बार ज़रूर देखनी पड़ेगी। इसके बाद हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। सबसे पहली होती हैं ये सबसे ईजी प्रॉपर्टी जो हम हमेशा पढ़ते हैं, हमेशा करते हैं, लेकिन पढ़ेंगे हम अभी। द नंबर वन इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हर नंबर का वन तो 100% फैक्टर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि वन इज़ डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स, ठीक है ना। वन तो हम कहते हैं कि हर एक नंबर से डिवाइड हो जाता है। 40 को वन से डिवाइड करो 40, 100 को वन से डिवाइड करो 100, किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, वही नंबर। एवरी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इट्सेल्फ। हर एक नॉन ज़ीरो नंबर, मतलब जो भी नंबर नॉन ज़ीरो है, वन से लेके कोई भी नंबर ले लो, ज़ीरो नहीं लेना, दैट नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इट्सेल्फ। वो हर नंबर खुद का तो फैक्टर होगा ही होगा। अगर वो किसी और के टेबल में नहीं आएगा तो वो खुद के टेबल में तो 100% आएगा ही आएगा। ये बात हम समझेंगे जब हम प्राइम नंबर्स पढ़ेंगे, ठीक है। हर नंबर अपने टेबल में तो 100% आएगा यार, हर नंबर अपना खुद का फैक्टर तो होगा ही होगा। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ वन। वन क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर है। एंड द लार्जेस्ट फैक्टर क्या है? वो नंबर खुद। कोई भी नंबर का वन जो होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर है, और वो नंबर खुद क्या है? लार्जेस्ट फैक्टर। जैसे अभी हमने 40 का एग्जांपल लिया, 40 का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है? वन। और सबसे लार्जेस्ट फैक्टर क्या है? वो नंबर खुद, यानी कि 40। ऐसे ही अगर हम किसी और का लेंगे तो वो नंबर खुद क्या होगा? लार्जेस्ट फैक्टर। और वन क्या है? उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर। एवरी फैक्टर ऑफ अ नॉन ज़ीरो नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू द नंबर। हर एक नॉन ज़ीरो नंबर का फैक्टर जो होगा, या तो वो उस नंबर से लेस होगा या उस नंबर के इक्वल होगा। देखिए अब 40 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब क्या हैं? 40 से छोटे हैं या 40 के बराबर है। ये 40 जो है वो 40 के बराबर है, और बाकी के जो फैक्टर्स हैं 40 के अलावा वो सब क्या हैं? 40 से छोटे हैं। यही कह रहे हैं, एवरी फैक्टर ऑफ नॉन ज़ीरो नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू द नंबर। कोई भी नंबर का अगर हमें फैक्टर निकालना है, वो या तो फैक्टर या तो उस नंबर से छोटा होगा या उस नंबर के बराबर होगा, ठीक है। अ नंबर हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर। एक नंबर के कुछ ही फैक्टर्स होते हैं, ये नहीं कि हज़ारों में फैक्टर हो। एक नंबर के बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते, जिसको हम काउंट कर सकते हैं उतने ही फैक्टर्स होते हैं। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर जिनका हम यूज़ करेंगे। कल हम करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। मतलब हम दो नंबर्स ले लेंगे, आपको एक बार बता देते हैं, दो नंबर ले लेंगे, उन दोनों नंबर्स के अलग अलग फैक्टर्स निकाल लेंगे, और उन दोनों का जो फैक्टर्स का जो कॉमन नंबर होगा दैट इज़ नोन एज कॉमन फैक्टर, और उन दोनों कॉमन में से जो लार्जेस्ट होगा वो होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हम कल पढ़ेंगे, अभी तक हमने ये तो करे हैं। अब आप एक्सरसाइज 3A के फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन करिए, वो इन दोनों पे बेस्ड है।